इस मॉड्यूल में हम सब फाइलम हैग्जोपोर्ट्स के अंदर कंपाउंड आई के स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्कस करेंगे जितने भी इंसेक्ट्स हैं इनके अंदर ये एबिलिटी है कि दे कैन डिटेक्ट द लाइट एंड यूज द लाइट फॉर इट्स नेविगेशन ओरिएंटेशन, फीडिंग एंड अदर फंक्शन अब ज़्यादातर इंसेक्ट्स में कंपाउंड आई जो है दिस इज प्रेजेंट एंड इज़ वेल डिवेल्प अब कंपाउंड आइज जो है इंसेक्ट्स के अंदर भी इसकी फिजियोलॉजी मॉर्फोलॉजी दिस इज सिमिलर टू द अदर आर्थ्रोपोड्स लेकिन इसकी क्या रीज़न है कि ऑल द ऑल द आर्थ्रोपोड्स दे हैव द कॉमन एंसेस्ट्री और इनकी क्रस्टेशंस के शू क्रैप्ट के ट्राइलोबाइट्स के अंदर कंपाउंड आई जो है इसका स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग जो है दैट इज सिमिलर अब कंपाउंड आइज जो है नॉर्मली इट कंसिस्ट्स ऑफ फ्यू टू ट्वेंटी एट थाउजेंड रिसेप्टर्स जिनको हम कहेंगे ओमेटीडिया अब ओमेटिडिया जो हैं दे नॉर्मली फ्यूज टू फॉर्म आ मल्टी फेसेट आई अब जो आउटर सरफेस है हर ओमिटीडियम की वहाँ पर मौजूद होगा लेंस और इसमें एंड इज वन फेसट ऑफ द आई बिलो द लेंस जो है देर इज़ अनदर स्ट्रक्चर जिसको हम कहेंगे क्रिस्टलाइन कोन। अब ये लेंस और क्रिस्टलाइन कौन जो है नॉर्मली ये वो स्ट्रक्चर हैं जो लाइट को गैदर करें फिर कुछ सेल्स जिनको हम ओमिटीडिया कहेंगे रेटुनल सेल्स है दे हैव स्पेशल लाइट कलेक्टिंग एरिया जिसको हम कहेंगे रेबडॉन अब रेबडॉन जो है ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इन टू नव इम्पल्सिस पिगमेंट सेल्स जे आर आल्सो सराउंडिंग द क्रिस्टेलाइन कोन और समटाइम्स जो रेपडोन है समटाइम्स क्रैपडोन को भी सराउंड करेगा और ये प्रिवेंट करता है लाइट को देट स्ट्राइक्स वन रेपडोन फ्राम रिफ्लेक्टिंग इन टू द एडजसेंट ऑमिटीडियम ऑल दो बहुत से इंसेक्ट जो हैं उनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो इमेज फॉर्मेशन कर लेते हैं लेकिन उनके अंदर इसका प्रोसेस का रियल सिग्निफिकेंस क्या है इन मोस्ट ऑफ द स्पीशीज इट इज़ स्टिल अब कंपाउंड जो है दिस इज बेटर सुटेड फॉर डिटेक्टिंग मूवमेंट्स मूवमेंट जो है ऑफ ए पॉइंट ऑफ लाइट लेस देन 0.1 सेंटीमीटर कैन बी डिटेक्टेड एज लाइट सक्सेसफुली स्ट्राइक्स द एडजेसेंट ऑम इसलिए बीज जो है नॉर्मली वो फ्लावर्स को अट्रैक्ट कर लेती हैं इन द ब्लोइंग विंड्स आल्सो और प्रीडेटरी इंसेक्ट्स जो हैं दे आल्सो डिटेक्ट द मूविंग प्रे अब कंपाउंड आइज जो हैं दे आर नॉर्मली हेल्पफुल इन डिटेक्टिंग वेव लेंथ ऑफ लाइट जो कि ह्यूमन बीग्स की आई जो है उसको भी डिटेक्ट नहीं कर सकती खास तौर पर अल्ट्रावायलेट लाइट को कुछ इस इंसेक्ट्स के अंदर कंपाउंड आइज जो हैं दे आल्सो डिटेक्ट द पोलराइज लाइट और उस पोलराइज लाइट को फिर इंसेक्ट्स नेविगेशन और ओरिएंटेशन के लिए यूज़ करते थ्रू दिस डायग्राम वी कैन सी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कंपाउंड आई दिज आर दिसेप्टर सेल्स दिस इज द रेपडोन दिस इज़ द लेंस लेंस के अंदर है कॉर्निया क्रिस्टलाइन कॉर्न These are the ametodia. So, this we can say the structures of compound eyes and about its functioning. Compound eye is important in providing orientation, navigation, and detecting different light frequencies that is helpful in their performing different functions.